हमारा आज का टॉपिक है क्लोज ग्राफ थ्योरम। फर्स्ट वी सी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्म स्पेसेस। लेट एक्स नॉर्म वन एंड वाई नॉर्म टू बी टू नॉर्म स्पेसेस, देन एक्स क्रॉस वाई इज आल्सो ए नॉर्म स्पेस वेयर द टू अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस एंड नॉर्म ऑन एक्स क्रॉस वाई आर डिफाइंड एज यूजुअल। आपके पास एक्स और वाई दो नॉर्म स्पेसेस हैं। हमने इनकी नॉर्म को डिफरेंट करने के लिए नॉर्म वन और नॉर्म टू लिखा है। हम ये जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज आल्सो ए नॉर्म स्पेस। अब एक्स क्रॉस वाई क्योंकि नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस में तीन चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। दिस इज वेक्टर एडिशन। एक्स क्रॉस वाई के अगर आप दो एलिमेंट लें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, उसे आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर सकते हैं। x1 वन प्लस एक्स टू ये x का एलिमेंट बन जाएगा, y1 वन प्लस वाई टू ये y का एलिमेंट बन जाएगा। सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y एंड वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड। नाउ इफ अल्फा इज अ स्केलर, x y इज एन एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y, दिस इज इक्वल टू अल्फा x इज एलिमेंट ऑफ x, अल्फा y इज एलिमेंट ऑफ y, सो दिस ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y। एंड नंबर थर्ड, xy लेंथ, क्योंकि x क्रॉस y एक नॉर्म स्पेस है, उसकी लेंथ किस तरह से डिफाइन होगी? ऑर्डर पेयर xy की लेंथ होगी लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्लोज ग्राफ थ्योरम में भी यूज करेंगे कि ऑर्डर पेयर xy की लेंथ अगर आपको निकालना पड़े तो आपने क्या करना है, आपने इन्हें सेपरेट कर देना है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। और अब आगे हमें हम x और y के लिए नॉर्म वन नॉर्म टू नहीं लिखेंगे। ये अंडरस्टूड होगा, जब वो x का एलिमेंट होगा तो उस पर नॉर्म वो अप्लाई होगी जो x में होगी, और जब कोई y का एलिमेंट होगा तो उस पर वो नॉर्म अप्लाई होगी जो कि y में होगी। सो अंडर दीज ऑपरेशन वन कैन इजीली प्रूव दैट x क्रॉस y। नाउ वी हैव ए रिजल्ट फॉर एनी टू बानाक स्पेसेस x एंड y, द नॉर्म स्पेस x क्रॉस y इज ऑल्सो ए बानाक स्पेस। अगर x और y दो कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस हों तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है x क्रॉस y स्पेस वो भी कंप्लीट नॉर्म स्पेस है। वी शो दैट फॉर एनी टू बानाक स्पेसेस x एंड y, x क्रॉस y इज आल्सो ए बानाक स्पेस। ये x क्रॉस y है, ये x y का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। x क्रॉस y को बानाक स्पेस प्रूव करने के लिए आप इसमें से एक आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस लेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। लेट जेड एन बी ए कॉशी सीक्वेंस इन x क्रॉस y। तो जेड एन को आप इस तरह लिख सकते हैं एक्स एन वाई एन, क्योंकि ये एक्स क्रॉस वाई में पड़ा है तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा एक्स एन वाई एन। अब आप कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करें जेड एन पे तो आप कहेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट वी हैव जेड एन माइनस जेड एम नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। इसे आप सॉल्व करें जेड एन माइनस जेड एम, तो जेड एन ऑर्डर पेयर है एक्स एन वाई एन और जेड एम ऑर्डर पेयर है एक्स एम वाई एम। इनका आप डिफरेंस ले लें, ऑर्डर पेयर का डिफरेंस कैसे लेंगे, ये एक्स एन माइनस एक्स एम बन जाएगा और वाई एन माइनस वाई एम बन जाएगा। अब ऑर्डर पेयर का नॉर्म मैंने आपको समझाया, ऑर्डर पेयर का नॉर्म क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस लेंथ ऑफ द सेकेंड, एक्स एन माइनस एक्स एम लेंथ प्लस वाई एन माइनस वाई एम लेंथ। अब कॉशी सीक्वेंस के मुताबिक ये जेड एन माइनस जेड एम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, लिहाजा ये दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसे आप लेस देन एप्सिलॉन पुट कर दें। अगर इन दो का सम लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर लेस देन एप्सिलॉन, एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन, वाई एन माइनस वाई एम लेस देन एप्सिलॉन। अब ये फर्स्ट वन क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस है एक्स में, और ये शो करता है कि वाई एन इज अ कॉशी सीक्वेंस इन वाई। अब x और y क्या है, x और y दोनों बानाक स्पेसेस हैं तो उनके अंदर तो हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, लिहाजा ये एक्स एन जो कॉशी सीक्वेंस x में है ये x को कन्वर्ज कर जाएगा और वाई एन जो कॉशी सीक्वेंस y में है ये y को कन्वर्ज कर जाएगा। इस तरह आपको एक x और y मिल जाएगा एक्स वाई में, इन्हें मिला के आप एक नंबर z डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई इन एक्स क्रॉस वाई, यानी इन दो लिमिट से आपको एक्स वाई एक एलिमेंट मिल गया है एक्स क्रॉस वाई में, उसे आप जेड का नाम दे दे, ये आपके लिए बड़ा अहम एलिमेंट है। आप प्रूव कर देंगे कि आपका जो कॉशी सीक्वेंस जेड एन था वो इस जेड को कन्वर्ज कर जाएगा। कंसिडर जेड एन माइनस जेड नॉर्म, इनके आप वैल्यूज पुट करें तो जेड एन आपके पास एक्स एन वाई एन है, जेड आपके पास एक्स वाई है, दो ऑर्डर पेयर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्स एन में से एक्स माइनस हो जाएगा, वाई एन में से वाई माइनस हो जाएगा
ऑर्डर पेयर का नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, इनकी लेंथ अलग अलग हो जाएगी, ये एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म, ये वाई एन माइनस वाई नॉर्म। अब क्योंकि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं लिहाजा एक्स एन माइनस एक्स ये जीरो हो जाएगा, वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रहे हैं तो वाई एन माइनस वन भी जीरो हो जाएगा। ये आप देखें एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वाई एन माइनस वाई यहाँ पे आना था, वाई एन माइनस वाई अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ये दोनों जीरो को अप्रोच कर गए तो जेड एन माइनस जेड ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो। सो लिमिट ऑफ जेड एन माइनस जेड इज जीरो, दिस शोज दैट जेड एन इज कन्वर्जेंट एंड जेड एन कन्वर्जेस टू जेड वेयर जेड इज एक्स वाई विच इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। इन दिस वे अगर एक्स और वाई दो बानाक स्पेसेस हैं तो उनकी लिमिट्स को यूज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक्स क्रॉस वाई इज ऑल्सो ए बानाक स्पेस। टी इज एन ऑपरेटर फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई वेयर डोमेन ऑफ टी इज सबसेट ऑफ एक्स। बाजू का डोमेन ऑफ टी पूरी स्पेस के बराबर होता है, बाजू का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है उसका। अच्छा, किसी भी ऑपरेटर के ग्राफ से क्या मुराद है पहले ये देख लें। ग्राफ से मुराद ऑर्डर पेयर एक्स वाई है वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ टी। ये एक्स जरूरी नहीं है कि तमाम एक्स हो, और इसी तरह वाई भी जरूरी नहीं है कि तमाम वाई हो, वाई सिंपली टी एक्स। लिहाजा ये जो ग्राफ ऑफ टी है ये जरूरी नहीं है कि इक्वल टू एक्स वाई हो, लेकिन ये एक सबसेट होता है एक्स क्रॉस वाई का। कैलकुलस में आप लोग जानते हैं कि आपका ऑपरेटर एक्स आर से आर पे अगर हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो आर क्रॉस आर पूरा प्लेन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कुछ लाइनें आप ड्रा करते हैं जो उसका ग्राफ होता है। सो ग्राफ इज एक्चुअली सम पार्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। अच्छा, अब ऑपरेटर क्लोज लीनियर ऑपरेटर कब होगा? अगर कोई ऑपरेटर ऐसा हो कि उसका जो ग्राफ है ये क्लोज सेट हो, क्योंकि ग्राफ इज एक्चुअली सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई नॉर्म स्पेस है, इसका सबसेट क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है और इनमें से कोई केस भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई लीनियर ऑपरेटर टी ऐसा हो कि उसका जो ग्राफ है ये क्लोज सेट हो एक्स क्रॉस वाई में, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर। यानी क्लोज लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर होगा जिसका ग्राफ ऑफ टी क्लोज सेट होगा एक्स क्रॉस वाई में। इसका मतलब कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपका ऑपरेटर क्लोज लीनियर ऑपरेटर है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो उसका ग्राफ है वो क्लोज सेट है एक्स क्रॉस वाई में। अब आप देखें क्लोज ग्राफ थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। लेट एक्स एंड वाई बी बानाक स्पेसेस, टी इज अ क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर। यानी इसका जो ग्राफ है वो क्लोज सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का। आप इन कंडीशन को देखते जाएं साथ साथ, x और y क्योंकि बानाक स्पेसेस हैं तो इसका मतलब है कि x क्रॉस y भी बानाक स्पेस है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और इसके अलावा अब क्योंकि t क्लोज लीनियर ऑपरेटर है तो क्लोज लीनियर ऑपरेटर का मतलब है ग्राफ ऑफ t क्लोज सेट है x क्रॉस y का। अब x क्रॉस y बानाक स्पेस है तो बानाक स्पेस के अंदर हर क्लोज सबस्पेस कंप्लीट होती है। इसका मतलब है कि ग्राफ ऑफ t इस केस में एक कंप्लीट स्पेस है, एक बानाक स्पेस है। एंड डोमेन ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स। अब आप एक्स पे आ जाएं, एक्स एक बानाक स्पेस है, डोमेन ऑफ टी सबस्पेस है एक्स की। अब डोमेन ऑफ टी एक्स में क्लोज है और हर क्लोज सबस्पेस क्या होती है, वो बानाक स्पेस होती है। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ टी इज ऑल्सो ए बानाक स्पेस। तो स्टेटमेंट से आपको दो बानाक स्पेसेस और मिल गई, एक ग्राफ ऑफ टी और एक डोमेन ऑफ टी। देन द ऑपरेटर टी इज बाउंडेड। तो ऐसा क्लोज लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होगा। आई रिपीट दिस, अगर आपके पास ये कंडीशन पूरी हो कि एक्स और वाई दोनों बानाक स्पेसेस हो और डोमेन ऑफ टी क्लोज हो एक्स में, तो फिर आपका हर क्लोज लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड जरूर होगा। अब आप इसका प्रूफ देख लें। फर्स्ट वी रिकॉल दैट फॉर एनी टू बानाक स्पेसेस एक्स एंड वाई, एक्स क्रॉस वाई इज ऑल्सो ए बानाक स्पेस। अगर आप पहले ये प्रूव नहीं करते कि एक्स क्रॉस वाई बानाक स्पेस है तो लोग आमतौर पे क्लोज लीनियर ऑपरेटर क्लोज ग्राफ थ्योरम के प्रूव में से प्रूव करते हैं। पहला स्टेप ये करते हैं कि एक्स क्रॉस वाई का वो बानाक स्पेस प्रूव। बाय अजम्पशन ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई, क्योंकि टी एक क्लोज लीनियर ऑपरेटर है तो उसका मतलब यही है कि ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई, देयरफॉर ग्राफ ऑफ टी इज कंप्लीट स्पेस, हर क्लोज सब स्पेस कंप्लीट स्पेस की वो बजाते खुद कंप्लीट होती। इसी तरह डोमेन ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स, एक्स बानाक स्पेस है सो डोमेन ऑफ टी इज ऑल्सो बानाक स्पेस। हम यहाँ पे सहारा लेंगे
ओपन मैपिंग थ्योरम का और बाउंडेड इनवर्स थ्योरम का, और उन थ्योरम्स के अंदर दोनों स्पेसेस का बानाक होना जरूरी है। लिहाजा हमारा पहला स्टेप ये हुआ कि हमने ग्राफ ऑफ टी और डोमेन ऑफ टी को बानाक स्पेस प्रूफ। अब हम एक ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन करते हैं ग्राफ ऑफ टी से डोमेन ऑफ टी पे। ग्राफ ऑफ टी में क्या पड़े, ऑर्डर पेयर पड़े हैं एक्स टी एक्स। जब पी अप्लाई होता है एक्स टी एक्स पे तो इसके प्रोजेक्शन एक्स पे चला जाएगा, ये जस्ट आपके पास एक्स आ जाएगा, वेयर एक्स इज हियर एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ। तो इस तरह से आपका एक ऑपरेटर डिफाइन हो गया। हम प्रूव करेंगे कि ये ऑपरेटर पी बाइजेक्टिव है, लीनियर है और बाउंडेड है, सो दैट वी कैन यूज बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। सबसे पहले हम देखते हैं कि पी लीनियर है। लीनियर के लिए वेक्टर एडिशन आप लें, दो वेक्टर ले लें डोमेन में से, इसका आप सम फाइंड कर लें। ऑर्डर पेयर का सम किस तरह फाइंड होगा, ये एक्स वन एक्स टू में ऐड हो जाएगा, टी एक्स वन टी एक्स टू में ऐड हो जाएगा। अब इस पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये इसमें से जस्ट डोमेन का एलिमेंट दे देगा आपको, इसकी प्रोजेक्शन डोमेन पे दे देगा एक्स वन प्लस एक्स टू, वेयर एक्स वन इज एक्चुअली इमेज ऑफ पी एक्स वन टी एक्स वन, एक्स टू इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ एक्स टू टी एक्स टू। तो ये लीनियरिटी की एक प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब आप एक स्केलर अल्फा ले लें और इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा एक्स अल्फा टी एक्स, इस पे आप प्रोजेक्शन अप्लाई करें तो आपके पास डोमेन का एलिमेंट आ जाएगा अल्फा एक्स, वेयर एक्स इज इमेज ऑफ पी एक्स टी एक्स, देयरफॉर पी इज अ लीनियर ऑपरेटर, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब हम प्रूव करेंगे कि पी इज बाउंडेड ऑपरेटर। बाउंडेड के लिए आप पी ऑफ एक्स टी एक्स की लेंथ ले लें, प्रोजेक्शन जब एक्स टी एक्स पे अप्लाई होगा तो वो सिंपली आपको एक्स दे देगा, सो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, एंड लेंथ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्स प्लस टी एक्स। टी एक्स यहाँ आपको चाहिए था इसलिए आपने इसे प्लस कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आप जानते हैं कि दिस इज लेंथ ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स टी एक्स, सो लेंथ ऑफ पी एक्स टी एक्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स टी एक्स। वी कैन राइट लेंथ ऑफ पी एक्स टी एक्स इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे आप टू भी लिख सकते हैं, लेस इक्वल टू टू टाइम्स लेंथ ऑफ एक्स टी एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए बाउंडेड ऑपरेटर। आपको पता है एक ऑपरेटर बाउंडेड होता है अगर टी ऑफ एक्स लेंथ लेस इक्वल टू सी टाइम लेंथ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये आपके पास अब पी ऑपरेटर, ये बाउंडेड ऑपरेटर, बिकॉज पी अगर आप इसे वाई पढ़ लें तो पी ऑफ वाई लेंथ इज लेस इक्वल टू सी टाइम लेंथ ऑफ वाई, सो पी इज अ बाउंडेड ऑपरेटर। अब हम प्रूव करते हैं कि पी ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या होता है, आप रेंज में से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं एक्स और बताते हैं कि डोमेन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट पड़ा एक्स टी एक्स, सच दैट के जब पी उस एक्स टी एक्स पे अप्लाई होगा तो आपको एक्स मिलेगा, लिहाजा ये पी ऑन टू है क्योंकि आपकी रेंज पूरे सेट के बराबर है। अब पी इज वन टू वन, पी को वन टू वन प्रूव करने के लिए आप पी एक्स वन टी एक्स वन को इक्वल पुट कर दें पी एक्स टू टी एक्स टू के। जब आप इस पे पी अप्लाई करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जस्ट एक्स वन रह जाएगा, इसी तरह इसका प्रोजेक्शन एक्स टू रह जाएगा, सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एंड इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू देन ऑर्डर पेयर एक्स वन टी एक्स वन इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स टू टी एक्स। सो टी एफ एक्स इज इक्वल टू टी एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, विच मीन पी इज वन टू वन ऑपरेटर। अब आपकी तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, सो पी इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम ए बानाक स्पेस ग्राफ ऑफ टी टू अनदर बानाक स्पेस डोमेन ऑफ टी, एंड ऑल्सो इट इज बाउंडेड। बाउंडेड होने की वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा पी इनवर्स, और वो डोमेन ऑफ टी से ग्राफ टी पे होगा, विच इज डिफाइंड बाय पी इनवर्स। जब एक्स पे अप्लाई होगा तो वो आपको बताएगा कि ये किस एलिमेंट का प्रोजेक्शन था, सो पी इनवर्स एक्स इज एक्स टी एक्स, बिकॉज P of x dx is x, so P inverse x is x dx. Now we use bounded inverse theorem. Bounded inverse theorem ये कहता है कि अगर आपके पास दो बानाक spaces हों तो कोई भी bijective bounded linear operator होगा तो उसका जो inverse होगा वो भी bijective bounded linear operator होगा. So P inverse is also bounded. P inverse के bounded होने का मतलब ये है कि आपके constant ऐसा मिल जाएगा कि P inverse x length is less equal to B time length of x. This is the definition of a bounded operator. Apply it on P inverse. Now from this, P inverse x किसके बराबर है? P inverse x बराबर है x t x length. And this is less equal to B length of x. Order pair की length आप कैसे लिखते हैं? Length of x plus length of t x. So this is less equal to B length of x. अब आपको तो t को bounded प्रूव करना है इन दी एंड, तो आप टी एक्स लेंथ को लिख सकते हैं टी एक्स लेंथ इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ टी एक्स, विच इज लेस इक्वल टू बी लेंथ ऑफ एक्स, सो
tx length is less equal to b time into length of x. What is this? This shows that t is a bounded operator. So this is the proof of closed graph theorem that if x and y both are Banach spaces, graph of t and domain of t both are closed spaces, then every closed linear operator is bounded.